एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये बात जरा कोई जाके सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कार्तिक को समझाओ, क्योंकि नायरा और वेदिका यानी कि सौतनों की ये महाभारत तो अभी सिर्फ शुरू ही हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे कैसी औरत है आप, एक दूसरी औरत की तकलीफ नजर नहीं आती आपको? अगर आप परेशान है तो खुश मैं भी नहीं हूँ, कुछ नहीं सुनना है मुझे, ये समझ नहीं आता कि आपकी वजह से कोई और कितने दुख में है। बस करो वेदिका, आप बस कीजिए, बस कीजिए, अपने बच्चे का नाम ले लेके अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश, कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो वो ठीक है, उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई है, पर आपके गंदे इंटेंशंस की वजह से वो। वेदिका! शुरू हुई सौतनों के बीच महाभारत, नायरा पर लगा रिश्ता तोड़ने का इल्जाम, फूटा वेदिका के गुस्से का गुब्बार। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आखिरकार वेदिका ने हिम्मत जुटा ही ली नायरा के सामने अपने दिल में उठ रहे तूफान को बताने की, लेकिन ये तूफान इल्जामों का पहाड़ बन गया। वेदिका ने ना सिर्फ नायरा को कार्तिक की जिंदगी में वापस आने के लिए खरी खोटी सुनाई, बल्कि उसे और उसके बच्चे को कार्तिक की जिंदगी से दूर जाने तक के लिए कह दिया। हालात मेरे ज्यादा खराब है क्योंकि मेरा एक बच्चा भी है। थक गई हूं मैं आपकी और आपके बेटे की बातें सुनते सुनते। बस करो वेदिका, आप बस कीजिए, बस कीजिए, अपने बच्चे का नाम ले लेके अपने इरादे पूरा करना बंद कीजिए, प्लीज चली जाइए। तो सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जिसमें नायरा खुद को बहुत बड़ा जिम्मेदार मानती है, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब वो कुछ कर नहीं सकती, तो अब जो करंट सिचुएशन में उसे ठीक लग रहा है वो करने की कोशिश कर रही है। पूरा ओपन एंड आउट कन्फ्रंटेशन होता है, मतलब हाँ कन्फ्रंटेशन होता है। वैशी सेज कि अब क्या एक्सक्यूज़ है आपके पास घर में रहने का, आप चाहती ही नहीं है जाना, आप चाहती हैं मेरी जगह लेना, आप चाहती हैं कि हमारी शादी टूट जाए, आप चाहती हैं ये ब्ला ब्ला ब्ला। वो कहते हैं कि मुझे समझो, कहते हैं आपको समझना ही नहीं चाहती मुझे बस चाहिए कि आप चली जाइए प्लीज़। असल में कायरव अब पूरी तरह ठीक हो गया है, इसीलिए वेदिका नायरा को उसका वादा याद दिला रही है। थैंक गॉड कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कायरव को यहाँ से बहुत दूर ले जा सकती हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ उस तक ये सारी बातें ना पहुँचे और उस पर कोई भी गलत असर भी ना पड़े। और अब नायरा भी वेदिका की खरी खोटी सुनने के बाद इस घर में रुकना नहीं चाहती, वो कायरव को मनाने की कोशिश भी कर रही है, पर कायरव है कि मानने को तैयार नहीं। नायरा डिसाइड करती है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, शायद अब हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, गलत होगा। उसको खुद भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई और ऑप्शन है नहीं, तो वो बस कायरव को समझाने की कोशिश कर रही है। वेदिका को कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील हो रहा है, मतलब शी के नॉट बेसिकली फाइंड हर फीट कि वो घर में उनकी स्टैंडिंग क्या है, इस शादी का मतलब क्या है। भाई नायरा ने तो अपना मन बना लिया है घर से जाने का, लेकिन बाकी घर वाले नायरा के इस फैसले से अनजान है और गणपति से अपने घर में खुशियों की मनोकामना मांग रहे हैं, जहां आज कायरव और वंश भी गणेश बने हुए हैं। अभी तो खास ये है कि हमारा अपना गणेश आ गया है घर में, तो उस वजह से तो हम सारे बहुत खुश है, कायरव है, वंश है, तो उनके लिए तो सेलिब्रेशन बनता ही है। और आज गणपति जी का विसर्जन है, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा बुरा तो लगता है कि जा रहे हैं, पर गणपति जी के विसर्जन के साथ साथ सीरियल को अगर लिया तो काफी सारा ड्रामा उसके अराउंड हो रहा है। वही हमारे साथ साथ दर्शक भी यही चाहते हैं कि गणपति जाने से पहले इस घर में सब कुछ ठीक करके जाएं। आज तक ब्यूरो।